जसमौली गांव में प्रेमी जोड़ों का किया जाता है सम्मान, कराई जाती है बिना दान दहेज के शादी, पुलिस की नहीं चलती है दखल अंदाजी व मनमानी, प्रेमियों को दिया जाता है सम्मान। यूपी के रामपुर में एक ऐसा ही गांव है जहां प्रेम करना गुना नहीं है, बल्कि गांव में प्रेमी जोड़ों को सम्मान दिया जाता है और हिंदू रीति रिवाज से जसमौली गांव में पंचायत करके ही मंदिर में विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसमें प्रधान और गांव की जनता शामिल होती है। ये गांव आज चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि घर की बात घर में ही रहती है, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचती। इस गांव में हर प्रेमी जोड़े को सम्मान दिया जाता है और उनकी शादी बड़ी सम्मान के साथ कराई जाती है। खास बात तो यह है कि इस गांव में पुलिस की भी मनमानी नहीं चलती है और विवाह बिना दान दहेज के होता है, जो गरीबों के लिए मिसाल बन गया है। ये बताओ, आज अपनी इच्छा के साथ विवाह कर रहे हो आप या किसी के दबाव में कर रहे हो? अपनी इच्छा से कर रहे हो? नहीं, ये शादी कौन करा रहा है आपके गांव में, कौन करा रहा है इस समय? प्रधान जी, तो आप खुश हो ना? कोई दबाव तो नहीं है ना किसी तरीके का? आशा, ये विवाह जो आप कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो किसी तरह का कोई दबाव? कौन करा रहा है शादी? है अपना नाम पूरा बताइए जी। मैं ग्राम प्रधान बाबूराम कश्यप जी, ग्राम जसमोली। आशा, धर्मेंद्र, इनमें प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण कई दिन से ये चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसको हमने दोनों पक्षों को जाके घर पे समझाने का प्रयास किया। प्रयास उपरांत दोनों लोग बालिक हैं और शादी पे ही राजी हुए। अच्छा। उनके माँ बाप से, लड़की के और लड़के के माँ बाप से दोनों से राय लेते हुए मंदिर में उनके मर्जी से, उनके कहने अनुसार इन्हें मंदिर बुलाया गया और इन दोनों का विवाह रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से कराया गया। हम मेरा यही कर्तव्य रहता है प्रयास कि किसी की इज्जत पे वार ना हो और उसको देखते हुए जहाँ तक मेरे प्रयास रहता है कि शादी के बंधन में ही बांधा जाए, और ये मेरा प्रयास आगे भी बना रहेगा। अच्छा, इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई है? पुलिस को मैंने खुद एसओ साहब को अवगत करा दिया है, इससे मैंने कहा दोनों लोग बालिक हैं, साहब इसमें बताइए दोनों लोग शादी पे, मेरे घर पे भी आ गए। तो एसओ साहब ने कहा कि अगर दोनों बालिक हैं तो शादी करानी हो, कोई आपत्ति नहीं है।